लेकिन पता नहीं खालसा एड क्यों चुभ रहा है बीजेपी वाले नु, क्योंकि खालसा एड गुरसिख लोग ने ओ लोगों की सेवा करते ने और बिना किसी लालच तो आत्म पूरा समर्पण होके। सो कल जेड़ा एनआईए दी रेड हुई है खालसा एड ते, वो बहुत ही मैं समझदा कि मदभागी घटना है और बिना किसी गल तो बिना किसी बात तो, क्योंकि खालसा एड ने हमेशा दीन दुखिया की मदद की है। मैं याद है कि जेड़ा साड़ा किसान अंदोलन होया सी उदो भी खालसा एड ने मोहरी होके आपका फर्ज अदा किया, जाने कि वह भुलिया नहीं जा सकता जो खालसा एड की उस अंदोलन दे विच शमूलियत ते योगदान सीगा। उसे तरह ही हमेशा कदे कोई भी होया, चाहे लतीफपुरे दा मुद्दा सी, चाहे कोई होर मुद्दा है पंजाब दा, जिथे जिथे लोगां नूं लग्या लगदा है कि कोई जरूरत है किसे दीन दुखिया नूं, उत्थे खालसा एड मोरी होके आपदा फर्ज अदा करदी है। और अचनचेत एनआईए दी रेड खालसा एड ते हो जानी ये बहुत मदभागी घटना है। मेरी पूरन कर शब्दों के विच निंदा करदा है, ये नहीं होना चाहिदा सी। और बहुत सारा कुछ हो रहा है प्रदेशों के अंदर, देशों के अंदर, किस तरह गैंगस्टर, किस तरह घटनाक्रम, किस तरह लोगों तो फरौतियां मंगिया जा रही हैं, दिन दिहाड़े कतलेआम हो रहे हैं, वो तो मेरा ख्याल उरे ते तो नजर नहीं है। लेकिन पता नहीं खालसा एड क्यों चुभ रहा है बीजेपी वाले नु, क्योंकि खालसा एड गुरसिख लोग ने ओ लोगों की सेवा करते ने और बिना किसी लालच तो आत्म पूरा समर्पण होके। सो ये बहुत माड़ी गल है। मैं देश के गृह मंत्री नु ये कहना चाहना कि कृपा करके पंजाब ते ठंडी निगाह रखो, ना कि हरेक व्यक्ति जेड़ा गुरसिख है और पंजाब नू प्यार करने वाला है उनू तुसी इस तरह बुरी नजर नाल तको। सो उम्मीद करदा है कि इस एरे ते जरूर देश दे गृह मंत्री कोई टिप्पणी टिप्पणी करन, ये नहीं होना चाहिदा सी जो होया है। और असी सारे खालसा एड और इस एनजीओ दे नाल आ, बेशक सानू किसी ने मदद वास्ते नहीं किया, लेकिन जिथे भी एहो जे लोगां ते और एहो जी एनजीओस ते अत्याचार होएगा उत्थे हमेशा हिकडा के असी उन्हां दे नाल खड़ांगे।